Am I audible now? Yes, ma'am. आई डोंट नो कि वॉइस क्यों नहीं आ रही थी. मैंने आपसे पूछा, अभी तक तो जो मैंने बोला है वो आपको नहीं सुनाई दिया क्या? नो मैम. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से करती हूँ. ओके, थैंक यू मैम. तो हम आज करें केयर एंड स्टेन रिमूवल, मतलब गारमेंट्स को कैसे केयर करना है और उसको स्टेन अगर लग जाए तो कैसे रिमूव करना है. तो केयर जरूरी क्यों है? केयर जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी, जैसे आपने देखा ही होगा, हम क्या करते हैं, वेयर, जब हम क्लोथ वेयर करते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ उस पर लग जाता है, या फिर फॉरेन जो भी डर्ट हो गई या कुछ भी, कहीं ना कहीं से उस पर कुछ ना कुछ गंदगी लग ही जाती है. सो अगर वो ड्राई डर्ट है तो उसे शेक करके, मतलब उसको झाड़ कर, वैसे आप जैसे झाड़ दें कपड़ा शेक करके तो वो निकल जाता है, बट अगर वो वेट है या फिर ग्रीसी डर्ट है तो वो नहीं निकल रहा है. उसलिए क्या है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है. और उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसे वॉश करते हैं. वॉश, फिर वॉशिंग से ही काम नहीं चलता, फिर हमें उसकी आगे क्या, अगर उसपे कोई स्टेन लग गया तो स्टेन रिमूव करना होता है. फिर क्या होता है कि उसपे प्रेस भी करनी होती है, आयरन करनी होती है ना. फिर अगर है ना, बीच में अगर उसे किसी फिनिश की जरूरत है तो वो भी देना पड़ता है. तो ये सारी प्रोसेस जो होती है ये हमारा केयर एंड मेंटेनेंस है. और उसके अलावा जहाँ वॉश तक हो गया, उसका वॉशिंग फिनिशिंग तक, भाई उसके बाद उसकी स्टोरेज कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हमारा केयर ऑफ गार्मेंट्स में आता है. ठीक है, सो फर्स्ट विल स्टडी लॉन्ड्रिंग. तो लॉन्ड्रिंग क्या है? लॉन्ड्रिंग इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन मेंटेनेंस ऑफ क्लोथिंग. तो लॉन्ड्रिंग केवल क्या है, हम लोग के सोचते हैं कि लॉन्ड्रिंग मतलब वॉशिंग, कपड़ों की धुलाई सिर्फ लॉन्ड्रिंग है, बट दैट इज नॉट ओनली. ठीक है, तो हम लॉन्ड्रिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? वॉशिंग, ड्राइंग एंड फिनिशिंग ऑफ क्लोथ. तो वॉशिंग मतलब कपड़ों को धोना. ठीक है, कपड़ों को धोने से पहले भी अगर उस पर स्टेन लगा होता है तो वो स्टेन रिमूव करते हैं. फिर अगर उसमें मैंडिंग की नीड होती है तो मैंडिंग करते हैं. फिर वॉश करते हैं, वॉश के बाद उससे ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के बाद उसको, उस पर अगर जरूरत होती है तो फिनिशिंग देते हैं. जैसे ब्लूइंग हो गई, ब्लूइंग मतलब नील लगाना कपड़े, या फिर स्टार्चिंग की जरूरत होती है तो स्टार्चिंग करते हैं, तो स्टिफनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं उसको. ठीक है, और फिर उसके बाद आयरन. तो ये पूरा एक लॉन्ड्रिंग, आयरन नहीं आएगा इसमें, फिनिशिंग तक आपका लॉन्ड्रिंग आता है. ठीक है, आयरन आपका जो आएगा वो आयरनिंग आएगा आपका मेंटेनेंस में. लॉन्ड्रिंग इंक्लूड वेरियस स्टेप्स सच एज मेंडिंग, स्टेन रिमूवल, सॉर्टिंग, सोकिंग, वॉशिंग, राइंसिंग, स्टार्चिंग, ब्लूइंग एंड प्रेसिंग. तो ये स्टेप्स है क्या? सो मेंडिंग क्या है? क्लोथ्स टू बी लॉन्ड्रड आर फर्स्ट एग्जामिन्ड केयरफुली फॉर एनी टियर्स और मिसिंग और लूज बटन्स. ठीक है, मेंडिंग का मतलब अगर उसमें कुछ भी कहीं से कट रहा है, फट रहा है, या फिर कोई बटन लूज है ना, या उसके हुक, जो उसमें हुक होते हैं वो खराब है, कहीं से भी कपड़े में कोई भी होल तो नहीं हो गया, अगर वैसे है कुछ भी मेंटेनेंस की नीड है उसे, मतलब मेंडिंग करने की जरूरत है, तो क्या है, पहले मेंडिंग करी जाती है, उसके बाद वो वॉश किए जाते हैं. अब बताइए मेंडिंग क्यों की जा रही है पहले? मेंडिंग इसलिए की जा रही है पहले क्योंकि अगर मेंडिंग पहले ना की जाए तो वॉशिंग में क्या होगा, वॉशिंग में उसे रगड़ा भी जाएगा. ठीक है, उसे फ्रिक्शन भी मिलेगा, तो क्या होगा, वो जो टीयर है हो सकता है वो और बड़ा हो जाए, अगर उसमें कोई होल है तो और बड़ा हो सकता है, बटन लगा लूज है तो वो निकल के गिर भी सकते हैं. इसीलिए सबसे पहले, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मेंडिंग. ठीक है, क्लियर है? नाउ व्हाट विल डू नेक्स्ट, वी विल रिमूव द स्टेन. अगर उसको कोई भी स्टेन है तो वो रिमूव करेंगे पहले, फिर पूरा क्लोथ को वॉश करते हैं. ऐसा तो नहीं करते ना कि पहले पूरा क्लोथ वॉश कर लिया और बाद में स्टेन रिमूव करते हैं. पहले स्टेन को रिमूव करते हैं, बाद में पूरे क्लोथ को वॉश करते हैं. सो स्टेन रिमूवल, अगर कोई भी स्टेन लगा है या डिस्कलरेशन हुआ है किसी दूसरे का, डाई का भी, जैसे दूसरे दो क्लोथ भी अगर एक साथ जो है सोक कर देते तब भी ये हो जाता है, अदर देन द डर्ट प्रेजेंट ऑन द क्लोथ्स, तो दे शुड बी रिमूव्ड और दे माइट स्प्रेड, गेट फिक्स्ड और स्टेन अदर फैब्रिक्स इन वॉशिंग. है ना, अगर उसमें कोई ऐसा स्टेन है जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब एक से दूसरे में जा सकता है, या कोई डाइट लग गई है उसमें, तो क्या है वो दूसरे में भी जाएगी. तो पहले क्या है, उसको स्टेन को रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि स्टेन क्या है, कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं कि उसके बाद अगर वो लग जाते हैं कपड़े तो फिर
स्टेन रिमूव करना इजी नहीं हो पाता, ठीक है, वो डिफिकल्ट हो जाता है स्टेन को रिमूव करना। तो अब स्टेन रिमूव कर लिया, आप क्या करते हैं, सॉर्टिंग, मतलब कौन से कपड़े एक साथ धुलेंगे वो करते हैं ना हम, कि अगर व्हाइट है तो व्हाइट को अलग करते हैं, कलर्ड है तो कलर्ड को अलग, अगर नए है तो नए को अलग, पुराने है तो पुराने को अलग, ऐसा करते हैं ना। तो वही प्रोसेस सॉर्टिंग है, मतलब उनको छांटना, ठीक है। आर्टिकल्स टू बी वॉश शुड बी सॉर्टेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर टाइप, दैट इज कॉटन, वुलन, सिल्क, सिंथेटिक्स, वॉइड, should be washed separately from colored ones. Also, very dirty articles like dusters should be washed separately from cleaner clothes. ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, हमने stain remove किया, अब उन्हें छाट रहे हैं कि कौन कौन से कपड़े एक साथ धुलेंगे, कौन सा अलग धुलेगा, अगर ज्यादा गंदा है तो उसे एक साफ कपड़े के साथ नहीं धो सकते, इसीलिए उनको sorting करना जरूरी है। Now next is soaking. Soaking मतलब कपड़ों को भिगोना, किसमें, जैसे डिटर्जेंट में या soap solution में, ठीक है। So soaking मतलब उसे soak करके रखना। Soaking helps to loosen the dirt from the fabrics and this makes washing easier. जैसे आप सब लोग करते ही हैं, अगर जो घर में धोते हैं, नहीं धोते, और जो लॉन्ड्री में भी ऐसा ही होता है, क्या करते हैं वो लोग डिटर्जेंट में या सोप में क्या करते हैं, उसको पहले सोक करके रखते हैं ताकि जो उस पर डर्ट लगी है या फिर जो ईजी है, मतलब कोई ऐसे स्टेन भी होते हैं कि सिर्फ उसी से निकल जाते हैं सोप सोल्यूशन से, तो उन्हें क्या है थोड़ी देर सोक करके रखा जाता है, और फिर जो भी उसमें गंदगी लगी है वो क्या होती है, फिर वो स्वेल हो जाता है, अगर डर्ट पार्टिकल है तो वो क्या है रिमूव हो जाएंगे इजीली। ऑल फैब्रिक्स कैन नॉट बी सोक्ड, जैसे वुलन है, वुलन आप जो वुलन क्लोथ हैं तो उनको नहीं कर सकते, क्यों, फेल्टिंग हो जाती है। फेल्टिंग का क्या होता है कि जो उनके जो रेशे हैं वो आपस में उलझ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है सोकिंग भी हर कपड़े के साथ नहीं की जा सकती, लेकिन जो, और ऐसे कपड़े भी जो कलर फास्ट नहीं है, मतलब उनका कलर निकलता है, तो उनको भी ज्यादा देर सोक करना सही नहीं होता है, ठीक है, बाकी सबको कर सकते हैं वॉशिंग, ठीक है। अब सोक कर लिया, अब उसको वॉशिंग करेंगे, वॉश करने का मतलब है कि उसको फ्रिक्शन भी मिलेगा, और कुछ लोग स्क्वीज करके धोते हैं, वो अलग अलग टाइप के मेथड है वॉशिंग में, ठीक है। तो वॉश मतलब उसको धोना, उसकी जो भी हमने सोप सोल्यूशन में डाला था या सोप लगाई थी उसे अप्लाई करके फिर हम वॉश करते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वॉशिंग हेल्प्स इन रिलीजिंग द डर्ट फ्रॉम द फैब्रिक, ठीक है। अब वॉशिंग हो गया, वॉशिंग के बाद क्या है, राइंसिंग, मतलब उसको पानी से धोना, ठीक है। ऑल सोप डिटर्जेंट और केमिकल्स जो भी हमने यूज करा है मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फैब्रिक, हेंस द क्लोथ्स आर राइंस्ड 2 to 3 or 4 टाइम्स यूजिंग फ्रेश वाटर एवरी टाइम, तो 2-3-4 बार उसमें कम से कम पानी से धोना है उसे, ताकि जो भी उसमें लगा है केमिकल या सोप है डिटर्जेंट है वो सारा रिमूव हो जाए। तो ये तो इजी है, कॉमन सी चीज है जो हम लोग करते हैं, बट पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपको रिमाइंड रहे, ठीक है। स्टार्चिंग एंड ग्लूइंग, अभी जो कपड़े धुल गए हैं, पानी हमने निकाल दिया है उसमें, अब क्या है स्टार्चिंग एंड ग्लूइंग, मतलब अगर जैसे आपने कल की क्लास देखी थी तो उसमें क्या था, मैंने बताया था कि जो ऑर्गेंडी वाले कपड़े होते हैं, जो जैसे लाइट कॉटन वाली जो साड़ी होती है उसमें स्टार्चिंग की जरूरत होती है, मतलब कलफ लगाते हैं उसमें, कलर क्या होता है स्टार्च होता है, तो अब वो स्टार्चिंग करी जाएगी अगर उसमें नीड है, और ग्लोइंग मतलब व्हाइट कपड़ों में करी जाती है ना, व्हाइट क्लोथ में, तो ग्लोइंग मतलब नील लगाया जाता है, ताकि ब्लू ग्लोइंग करने का पर्पस है कि उसकी जो व्हाइटनेस है वो अच्छी बनी रहे, और स्टार्च का मतलब ताकि उसमें स्टिफनिंग आ जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग, अब उनको सुखाया जाता है। व्हाइट क्लोथ्स आर ड्राइड इन सन एंड कलर्ड क्लोथ्स आर ड्राइड इन शेड, ड्राई जो कलर्ड है उसको क्यों नहीं डाल रहे धूप में, क्योंकि उनका शेड जो है फेड हो जाएगा उनका कलर, ठीक है। सिल्क व्हाइट और कलर्ड आर ड्राइड इन शेड, ठीक है। सिंथेटिक्स, तो ये वो चीजें आप याद रख सकते हो कि कौन से जो कपड़े हैं उसको धूप में सुखा सकते हैं, कौन से को नहीं, तो व्हाइट क्लोथ को सन में सुखा सकते हैं सनलाइट में, लेकिन कलर्ड को नहीं, ठीक है। और सिल्क और व्हाइट और कलर्ड मतलब कैसे भी हो उसको शेड में ही सुखाना है। सिंथेटिक्स आर ड्राइड ऑन हैंगर एंड इन शेड, ठीक है। Woolens are dried in shade and flat on the floor. मतलब उसको hang नहीं करना है, hang करने से क्या होगा उसका shape बिगड़ जाता है, okay? Now next is ironing and pressing. Ironing and pressing का मतलब है कि iron करना उसे, ठीक है। The last step of laundering is ironing. Clothes are ironed according to the nature of fabric. तो clothes अपने nature के according, जैसे cotton है, cotton को आप hot air से और hot iron से कर सकते हो iron, बट जो सिल्क है, सिल्क को क्या है
सिल्क में अगर आपने देखा है तो या तो न्यूज़पेपर लगा के करते हैं या उसके ऊपर एक और लेयर लगाते हैं फैब्रिक की, तब उस पर प्रेस की जाती है। सिंथेटिक और रेयॉन को भी मॉडरेटली हॉट आयरन से करना है, जिसे आजकल तो ऑटोमेटिक वो आ गई ना आयरन, उस पर लिखा रहता है कि कॉटन के लिए ये है और सिंथेटिक के लिए ये है, रेगुलेटर टाइप का होता है उसके ऊपर, आई थिंक आपने देखा भी होगा। तो ये उसके हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसमें। वुलन्स आर प्रेस्ड विद हॉट आयरन बट ओवर डैम्प मसलिन, ठीक है। वुलन को अगर आयरन करना है तो उसके ऊपर भी एक मसलिन का क्लोथ रखकर तब उसे आयरन करना है, या फिर मोस्टली जो मतलब कॉमनली जो लोग करते हैं वो उसके ऊपर न्यूज पेपर रख देते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी प्रोसेस लॉन्ड्रिंग की। अब लॉन्ड्रिंग के लिए एजेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं, मतलब जो चीजें हो रही हैं वॉशिंग में या फिनिशिंग में यूज, वो क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट इज डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट हम जानते हैं, डिटर्जेंट क्या होता है, सोप या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्फ, तो सिंडेट्स, ठीक है। सोप या फिर सिंडेट हम यूज करते हैं। अ डिटर्जेंट इज अ प्रोडक्ट विच इज कैपेबल ऑफ क्लीन, ठीक है। तो क्लीनिंग एजेंट क्या है हमारे, डिटर्जेंट है उसका, जो उसमें दो टाइप के हैं, आपका सोप है एंड सिंडेट्स है, ठीक है। अ सोप इज अ क्लींजर ऑब्टेन फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ नेचुरल ऑयल एंड फैट एंड वैक्सेस। तो सोप कैसे बनती है, आप सेपोनिफिकेशन की अगर प्रोसेस पढ़ी है आपने या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी तो मैं बता देती, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, फैट के साथ क्या होता है, फैट के साथ हम किसकी, फैट के साथ एक बेस होता है, ठीक है। फैट के साथ हम कराते हैं रिएक्शन इसके बेस की, मतलब बेस में क्या, सोडियम ही होता है, ठीक है, सोडियम की फॉर्म होती है, उसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ऑयल के साथ। तो जब ऑयल और सोप का जब रिएक्शन होता है तो तब बनता है हमारा सोप, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं सेपोनिफिकेशन, ठीक, क्लियर है, क्या पता था आपको पहले से। ठीक है, तो इसमें वही एल्कलाई और फैट को यूज करके तब बनाते हैं, ठीक है। तो सोप हो गया, अब है सिंडेट। सिंडेट मतलब जो हमारा सर्फ जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो सिंडेट क्या है, क्लींजर है, प्रोड्यूस सिंथेटिकली फ्रॉम केमिकल से ये बनता है, ठीक है। बोथ क्लींजर एक्ट बाय हेल्पिंग पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इन टू द फैब्रिक बाय रिड्यूसिंग द सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर। अब ये जो क्लींजर है ये कैसे काम कर रहे हैं, जो हमारा क्लोथ है उसके सरफेस के अंदर जा रहे हैं, मतलब क्लोथ के अंदर जा रहे हैं फाइबर में, मतलब बट डिफरेंसेस आर देयर। अब इनमें क्या डिफरेंस है, सोप वेट द फाइबर फैब्रिक मोर रेडिली देन वाटर, बट सिंडेंट एक्ट इवन मोर रेडिली देन सोप। तो सोप क्या है, सोप एक सोप के लिए क्या है, सोप जब अप्लाई करते हो, आप कभी देखा ड्राई क्लोथ पे सोप नहीं अप्लाई होगी, तो जल्दी हो जाती है ये, मतलब जल्दी वेट कर देती है सोप, लेकिन जो सिंडेंट यानी सर्फ है वो सब ज्यादा एक्टिंग होता है, ज्यादा फास्ट एक्ट करता है सोप के मुकाबले, ठीक है। डिजोल्विंग सोप इन कोल्ड वाटर इज मोर डिफिकल्ट दैन डिजोल्विंग इट इन हॉट वाटर, बट सिंडेंट्स आर सॉल्युबल इन बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। तो सर्फ आप दोनों में यूज कर सकते हो, लेकिन सोप, सोप कौन सी वाली सोप हो रही है, एक तो सोप आती है सिंडेंट से बनी हुई, जैसे रिन बार आती है ना, रिन बार और ये सर्फ एक्सल बार आती है और ये टाइड का बार आता है, ये सारे क्या है, ये वाले सोप नहीं, सोप की बात नहीं हुई यहाँ पे, वैसे सोप की बात हो रही है जो फैट से बन रहे हैं, ठीक है। जो ये सोप आते हैं सिंडेंट से बने हुए, जो इन्हीं के साथ बार आते हैं, जैसे रिन का बार है, तो क्या है, वो तो कोल्ड वाटर में भी सॉल्युबल है, ठीक है। Next is सिंडेंट्स हैव अ गुड क्लींजिंग एक्शन इवन विद हार्ड वाटर एंड सोप्स फ्रॉम अ फोम, जस्ट वाइट। तो सिंडेंट हैव अ गुड क्लींजिंग एक्शन इवन विद हार्ड वाटर व्हाइल सोप फॉर्म वेल ओनली सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर में ही आपकी जो है काम करेगी सोप, लेकिन जो आपका सिंडेंट यानी सर्फ है वो दोनों वाटर में काम कर सकते हो। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि सिंडेंट किस में काम कर सकता है या सोप किस में अच्छे से काम करती है, सॉफ्ट वाटर में, ठीक है।
soaps do not have a distinct smell, but scents are sweet smelling, आपको पता ही होगा, and hence the clothes also smell nice when washed, with scents. Okay, blowing has just a while. Blowing has to be done after washing with soap, but scents have blues and optic brightness already added to them. So, जो सर्फ के बाद जो कपड़े धुल रहे हैं, सिंडेंट के बाद जो कपड़े धुल रहे हैं, उसमें जरूरत नहीं है ब्लोइंग करने की, और लेकिन सोप के बाद जरूरत होती है. क्लोथ्स टेंड टू लुक डल आफ्टर फ्यू वॉशेस विद सोप, बट लेकिन अगर क्यों, क्योंकि जो उसके ऊपर डिपॉजिट रह जाते हैं सोप के, आपने देखा होगा ना रेसिड्यू सा बचता है कुछ, अगर सोप के बाद देखा है तो. सोप जैसे आप मान लो किसी बाल्टी या टब में धो रहे हो, यूज कर रहे हो सोप का, तो उसमें रह जाता है नीचे कुछ, तो वही आपका डिपॉजिट है. ठीक है, और अगर सिंडेंट में कहें तो सिंडेंट में ऐसा नहीं होता है. सोप्स आर चीपर देन सिंडेंट, बट इफ क्लोथ्स बिकम डल आफ्टर फ्यू वॉशेस व्हाट इज द यूज. तो सस्ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सोप ही यूज करें, लेकिन सिंडेंट के करने से, यूज करने से जल्दी खराब नहीं होते फैब्रिक, ये होता है. Hence, scents are more economical in long run. अगर कपड़े को ज्यादा चलाना है, लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो क्या यूज करना चाहिए, आपका सेंटेंट. ठीक है, नाउ ऑक्सिलरीज. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉन्ड्रिंग एजेंट्स. ठीक है, अब ऑक्सिलरीज मतलब जो अभी हमने जो पढ़े हैं वो क्लीनर थे, अब ये क्या है, ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज का मतलब है एडिशनल चीजें हैं जो क्लींजिंग एजेंट के अलावा जरूरत होती है लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में. ओके, सो प्रोडक्ट्स अदर देन क्लींजर रिक्वायर्ड टू गिव गुड फिनिश टू द फैब्रिक्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्रिंग आर नोन एज ऑक्सिलरीज. तो जो अलग लॉन्ड्रिंग में जो क्लींजर से अलग जो यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स गुड फिनिश देने के लिए, वो ऑक्सिलरीज कहलाते हैं. इनमें क्या क्या आता है आपका, ब्लू यानी कि ब्लूइंग एजेंट, ब्राइटनेस, स्टेन रिमूवर्स, ब्लीचिंग एजेंट्स एंड स्टिफनिंग एजेंट्स. तो ये सारे आपके क्या है, ऑक्सिलरी. ठीक है, फर्स्ट है ब्लू. तो ब्लू क्या है, ब्लू इज डिफाइंड एज अ केमिकल यूज्ड एज अ फैब्रिक व्हाइटनर. व्हाइट फैब्रिक में ही हम यूज करते हैं. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल वेजिटेबल एंड मिनरल सोर्सेज एंड इज अवेलेबल इन मार्केट इन पाउडर और लिक्विड फॉर्म. ओके, सो ये हमारा किसी भी मतलब नेचुरल भी हो सकता है या फिर हमारा केमिकली भी हो सकता है, और मार्केट में अवेलेबल होता ही है लिक्विड, और आपका ये जो चार बूंदों वाला उजाला है वो लिक्विड में आता है, और इसके अलावा इसके पैकेज से आते हैं अलग से पाउचेस, वो आपका पाउडर फॉर्म में होता है. ओके, सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्लू, देयर कलर वेरीज वायलेट टू ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन. ठीक है, कलर अलग अलग. ओके, इतना क्लियर है. Whenever blue has to be applied, it should be applied just before last rinse. The blue water should be mixed thoroughly before putting in fabric into it. This will help to avoid formation of blue spectacles on the fabric and helps in even application of blue. So, जब rinsing करते हैं, मतलब washing के बाद जब rinsing करते हैं, मतलब पानी से धोते हैं कपड़े को बाद में, उस टाइम पे ही जो लास्ट वाला राइंसिंग प्रोसेस है उसमें हम ब्लोइंग एजेंट ऐड करते हैं पानी में. ठीक है, और जो जब ऐड कर रहे हैं तो उसे अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करना है ताकि कोई भी स्पॉट ना दिखाई दे ब्लू का हमारे फैब्रिक पर. ठीक है, और कौन कौन से ब्लू हैं, अल्ट्रामरीन ब्लू एंड पर्शियन ब्लू जो की मोस्ट कॉमन है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा एजेंट है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, या फिर ब्राइटनर्स भी बोल सकते हैं आप शॉर्ट में. ठीक है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स, फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट. ठीक, सो ये क्या है, ये कलरलेस डाइस हैं. ठीक है, मतलब ब्राइट करने के लिए कपड़े को यूज किए जाती हैं. दे आर फ्लोरोसेंट कंपाउंड विच गिव वेरी ब्राइट कलर्स व्हेन अप्लाइड टू द फैब्रिक एंड ड्राइड इन द सन. तो फ्लोरोसेंट कंपाउंड ये ब्राइट करते हैं कपड़े को, और कैसे, पहले तो अप्लाई करते हैं और फिर उसे सन में डाल, मतलब सनलाइट में डाल दिया जाता है सुखाने के लिए. इस ओबीएस मतलब आपका ऑप्टिकल क्या था ये, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट. ओके, ठीक है, आपके जो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को अल्ट्रावायलेट रीजन से एंड फिर वो विजिबल रीजन में रिफ्रेक्ट करते हैं. तो इसी से ये
जो पहले क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसे रिफ्लेक्ट करते हैं. इसी प्रोसेस से पूरा ये जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द येलोनेस, और उसी से वो जो पीला पन कपड़े का वो निकल जाता है और फिर ब्राइटनिंग आपको दिखाई देती है फैब्रिक के ऊपर. ठीक है, क्लियर है इसका एक्शन. पहले उसे क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन से, मतलब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे उसका जो येलोनेस है उसको रिमूव करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और फिर ब्राइटनिंग देते हैं. ठीक है, तो एक्शन तो नहीं पूछा जाएगा, बट पूछा जा सकता है कि ब्राइटनेस कैसे कौन से यूज करे जा सकते हैं. तो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स या फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट्स आपका. तो ये जो है फ्लोरोसेंट कंपाउंड जो है ये सन में डालने से, मतलब सनलाइट में डालने पर इफेक्ट करते हैं और ये करते हैं लाइट एब्जॉर्ब करके अल्ट्रावायलेट रीजन से ये काम करते हैं. ठीक है, there is no chemical action so that it has no harmful effects on the fabric. ठीक है, तो कोई भी harmful effect नहीं होता. Next हमारे हैं chemical bleaches. Chemical bleaches में है आपका, a bleaching agent is any material or compound that whitens or brightens the fabric through chemical action. तो bleach सबको पता है, bleach का क्या काम होता है, white करना. ठीक, this action may be oxidizing or reducing. तो आपने के ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग ब्लीचेस भी होती हैं और रिड्यूसिंग ब्लीचेस भी होते हैं. ऑक्सीडेशन एक ऑक्सीडेशन के थ्रू काम करते हैं, एक रिडक्शन के थ्रू काम करते हैं. दीज ब्लीचेस हेल्प इन रिमूविंग कलरिंग मैटर फ्रॉम द फैब्रिक्स. दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज स्टेन रिमूवल. ओके, और ये दो टाइप की हैं आपका, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग. ऑक्सीडाइजिंग कौन सी है, दीज ब्लीचेस हैव दीज ब्लीचेस लीव एंड ऑलमोस्ट परमानेंट इफेक्ट. तो इनका जो है परमानेंट इफेक्ट होता है, जैसे परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये कि वाइट ही रखती हैं कपड़े भी. ठीक है, दीज आर यूज्ड वाइडली फॉर एप्लीकेशन ऑन वेजिटेबल्स फाइबर लाइक कॉटन एंड लिनन. तो जो मोस्ट यूज है इसका, सबसे ज्यादा यूज किसके लिए होती है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है एजेंट्स आपके होते हैं सेल्यूलोजिक या फिर वेजिटेबल फाइबर के लिए, जो है कॉटन एंड लिनन कॉमन फाइबर. Example of oxidizing bleaches are sunlight, gel water. ठीक है, तो sunlight क्या है, sunlight में डाल दिया कपड़े को. ठीक, एंड फिर उसका जो भी stain है, पहले stain पर पानी डाल के उसे गीला कर दिया और फिर उसे grass पर डालना है. Chlorophyll moisture and oxygen from air bring about bleaching of the stain. तो यहाँ पर वेट, यहाँ पे घास पे डालने की बात क्यों, ये ग्रास पे डालेंगे क्योंकि यहाँ जो क्लोरोफिल है और मॉइस्चर जो अभी हमने कपड़े पे पानी डाला है एंड ऑक्सीजन जो अभी हमें मिलेगी एयर से, वो सब चीजें मिलके यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेंगे उसे. मतलब पानी है तो पानी और मतलब मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीडेशन होना ही होना है. और फिर क्या होगा, फिर आपका जो भी कपड़े पे जो स्टेन लगा हुआ था, सबके लिए वैसे ये यूजफुल नहीं होता. अभी हम जब स्टेन रिमूवल पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से जो है सिर्फ सनलाइट में डालने से सही हो जाएंगे स्टेन. ठीक है, नेक्स्ट है जेल वाटर. तो जेल वाटर आपका, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कल मैंने बताया था कि वेजिटेबल फाइबर्स के लिए यूज होता है. ठीक है, तो जेल वाटर दे शुड ऑलवेज बी डाइल्यूटेड बिफोर यूज. डाइल्यूटेड का मतलब उसमें पानी मिक्स होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड होगा तो हार्मफुल इफेक्ट देगा. द फैब्रिक शुड बी इन ब्लीच टिल द स्टेन इज रिमूव. तो स्टेन जब तक रिमूव ना हो तब तक उसे ब्लीच में ही रखना है. फॉर द फैब्रिक शुड बी राइंस्ड रिमूव टू रिमूव एनी रिमेनिंग ब्लीच इन द फैब्रिक एज इट मे हार्म द फैब्रिक बाय वीकनिंग इट. पहले तो इसे डाइल्यूट फॉर्म में यूज करना है, दूसरा पानी से अच्छी तरह वॉश करना है आफ्टर स्टेन रिमूवल, ताकि वो कपड़े को आगे हार्म ना करे. ठीक है, एंड ये मोस्ट कॉमनली यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वेजिटेबल फाइबर्स के लिए यूज होता है. ठीक है, कॉमनली. नेक्स्ट इज योर पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड यूज फॉर स्टेन्स कॉज्ड बाय डाइस, माइल्ड्यू, पर्सपिरेशन एंड इंक. तो किसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट यूज हो रहा है, डाइस के स्टेन पे, माइल्ड्यू, परस्पिरेशन एंड इंक. तो इनके स्टेन पे आप कर सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट को यूज, उसके साथ साथ ऑक्सैलिक एसिड भी इसी तरह से यूज हो सकता है. द
the brown stains, which may be caused due to any reason like rust stains caused due to pan. पान जानते हैं ना beetle nut, जो beetle nut leaves होते हैं पान, तो पान का भी दाग लग जाता है. स्टेन कैन इजिली बी रिमूव्ड बाय ऑक्सैलिक एसिड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ KMnO4, मतलब आपका पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, क्वेश्चन बनेगा कि ये वाला जो स्टेन है, लाइक पूछने की परस्पिरेशन या इंक का स्टेन है, या फिर आपसे पूछ रहे कि बीटल नट लीव्स का स्टेन है, तो उसके लिए कौन सा एजेंट सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा. तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ऑक्सैलिक एसिड, जो भी ऑप्शन में हो आप उसको टिक कर सकते हो. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. कल भी बताया था इट इज यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट. यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये वेजिटेबल एंड एनिमल फाइबर्स के लिए यूज हो सकता है. देयरफॉर इट इज सेफ ब्लीच फॉर सिल्क्स, वूलन, रेयॉन्स and as it has no harmful effect on animal fibers. ठीक है, तो vegetable पे भी और आपका animal fiber पे दोनों पे use हो सकता है. Next is अभी हम जो discuss कर रहे थे वो थे oxidizing agents, and अब है हमारा reduce. ठीक है, तो reducing bleaches में आपका reducing bleaches are less strong in action than oxidizing bleaches and are applied on animal fibers like wool, silk. These bleaches do not have permanent effect on the fabric. Wool and silk sometimes turn yellow when they come in contact with air after bleaching with reducing agents. ठीक है, तो ये जो है ये आपका किस पे ज्यादा अच्छे से यूज की जा सकती है, वुल एंड सिल्क पे, क्योंकि एनिमल फाइबर है. और जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था हमने पढ़ा था किस पे, कॉटन और लिनन पे ज्यादा अच्छे से करी जा सकती है. ठीक है, और इनका जो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग ब्लीचेस होती है उनका परमानेंट होता है, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो परमानेंट नहीं होता. वूल एंड सिल्क समटाइम्स टर्न येलो, ओके, अगर वो एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो. ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग है, मतलब रिडक्शन होगा वहां पर, एयर जो है निकलेगी. ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर. रिड्यूसिंग ब्लीचेस आर अप्लाइड टू मेक देम प्योर वाइट, एंड व्हेन दीस फैब्रिक कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे टर्न येलो एंड लूज देयर ब्लीचिंग इफेक्ट. तो इसीलिए उन्हें जो है एयर के कॉन्टेक्ट में लाने पे ये क्या करेगी, जस्ट अ वाइल, तो उसी लिए एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर वो वहां पे येलोनेस आ जाएगी. अब वहां येलोनेस क्यों आ रही है, क्योंकि जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, गेन होते हैं, लेकिन जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में आपके जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, इसीलिए वहां पर आपका जो है दिखाई दे रहा है येलोनेस. ओके, अगर पूछा जाए कि येलोनेस क्यों दिखाई दे रही है, ड्यू टू आपका वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट में, और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लॉस हो रहा है. ठीक है, हाय रश्मि, अभी हम लोग कर रहे हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स. ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग ब्लीचेस के एग्जांपल ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग ब्लीच है, तो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोसल्फाइड एंड सोडियम बाइसल्फाइड. हाय रश्मि, ठीक है, इतना ये अभी रश्मि आप ना इसे रिकॉर्डिंग से कर लेना, अगर आपको पढ़ना होगा लॉन्ड्रिंग प्रोसेस. वैसे ही इजी है, जैसे लॉन्ड्रिंग होती है वही है. जब पीडीएफ होगा एक बार आप पीडीएफ से पढ़ लेना, पीडीएफ शेयर करूंगी मैं क्लास के बाद, और अगर नहीं आएगा ना समझ तब आप रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी. ठीक है, तो अब चलते हैं हम स्टेन रिमूवल पे. स्टेन क्या है, स्टेन आपका जो भी मार्क लग जाए, स्पॉट लग जाते हैं कपड़ों के ऊपर, दैट आर स्टेन्स. ठीक है, स्टेन्स आर मार्क अदर देन डर्ट ऑन क्लोथ्स. फॉर एग्जाम्पल यू मे गेट अ करी और पिकल मार्क ऑन योर शर्ट और योर क्लोथ एंड
wiping your beard, ठीक है, while eating or an ink stain while writing, paint, ये सारी चीजें लग सकती हैं, ठीक है, तो वो क्या cause करती है, stain बना देती हैं. Such marks are called stain, and if allowed to stay for long, they make the cloth look ugly. तो इसीलिए कहते हैं ना, अगर कहीं पे stain लग जाता है तो एकदम से उसे कपड़े को निकाल के फिर wash किया जाता है, stain को remove करा जाता है, तो ताकि वो जल, मतलब जो है वो कपड़े में रहे ना, इसलिए वो जल्दी से निकल जाए, रिमूव हो जाए इसीलिए. तो स्टेन रिमूवल के क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द लोकेशन, कहाँ पे स्टेन है, और क्लासिफिकेशन का मतलब है कि किस टाइप का स्टेन है, वो वेजिटेबल स्टेन है, एनिमल स्टेन है, चाय का दाग है, मेहंदी का दाग है, किस टाइप का है, तो वो चीज क्लासिफाई करना. डिटरमाइन द फाइबर कंटेंट ऑफ द गारमेंट एंड प्रीफर्ड क्लीनिंग मेथड. तो फाइबर कंटेंट का मतलब है कि किस टाइप का है वो, आपका कॉटन है या फिर सिंथेटिक है या फिर आपका एनिमल फाइबर है, कौन सा फाइबर वहां पर क्लोथ में आपके है या कौन सा टाइप का क्लोथ आपने वेयर कर रखा था. ट्रीट द स्टेन एंड टेक द आइटम टू ड्राई क्लीनर एज सून एज पॉसिबल. तो या तो उसे जल्दी से आपको तभी के तभी रिमूव करना है या फिर ड्राई क्लीनर के पास आपको उसे जल्दी से भेज देना चाहिए, ठीक है. सो अब है कि स्टेन्स को जो कैटेगराइज करा गया है, जो अभी यहाँ पे बात हो रही थी ना कि क्लासिफिकेशन करना है स्टेन का, तो वो यही है, ठीक है. सो कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है. फर्स्ट इज योर वेजिटेबल स्टेन्स. वेजिटेबल स्टेन में आपका करी, टी, कॉफी, ये सारे आपका वेजिटेबल स्टेन्स में है. एनिमल स्टेन में मिल्क और ब्लड, एग और मीट, ये सब का जो भी होता है वो एनिमल स्टेन में आता है. ग्रीस स्टेन में आपका पिकल, पिकल में क्यों, ऑयल होता है इसीलिए, करी में भी ऑयल होता है इसलिए उसे ग्रीस में भी डाल सकते हो. शू पॉलिश और आपका जो वैक्स है, मतलब अगर लग जाए उसमें भी कलर्ड वगैरह, तो उसका भी, ठीक है. मिनरल स्टेन्स, मिनरल स्टेन में आपका रस्ट आएगा, जो लोहे का रस्ट लगता है ना, आयरन का रस्ट, वो. नेक्स्ट इज ग्रास स्टेन. तो ग्रास स्टेन आपका अलग है, ठीक है. नेक्स्ट फिर है आपका मिसलिनियस स्टेन, तो उसमें कोई भी हो सकता है, डाई हो सकता है, ठीक है, या फिर कहीं किसी चीज के कॉन्टेक्ट में आके अलग से लग जाए, तो वो मिसलिनियस में, मतलब अलग है सबसे. प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग स्टेन, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. एज फार एज पॉसिबल रिमूव द स्टेन व्हेन इट इज फ्रेश, ठीक है, जल्दी से तभी के तभी उसे, फ्रेश है तभी उसे रिमूव कर लेना चाहिए. फाइंड आउट वेदर स्टेन फैब्रिक इज कॉटन, वूल, सिल्क, वही चीज है जो क्लासिफिकेशन हो रहा था, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट. फिर फॉर अननोन स्टेन, स्टार्ट स्टेन रिमूवल विद अ सैंपल प्रोसेस एंड देन मूव टू कॉम्प्लेक्स वन. पहले आप उसे इजी जो प्रोसेस है, जिसे पहले सोप से ही वॉश कर दो केवल, ठीक है, निकल जाए तो. ऑलवेज वॉश द स्टेन विद कोल्ड वाटर फर्स्ट एज प्रोटीन स्टेन्स लाइक ब्लड एंड कॉम्पुलेट विद हॉट वाटर. तो वो फिर रिमूव नहीं होता, जो प्रोटीन का स्टेन है, जैसे ब्लड का है, आपने ब्लड का देखा हो, तो उसे गर्म पानी में नहीं डालना चाहिए. क्यों? क्योंकि फिर वो नहीं निकलता है, तो कोल्ड वाटर के साथ ही उसको रिमूव करना ईजी होता है. केमिकल्स यूज शुड नॉट डैमेज द फैब्रिक. ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही हार्ड आपने स्टेन लग गया, बहुत ही हार्ड एकदम से केमिकल यूज कर दें, तो उससे फैब्रिक भी आपको खराब हो जाएगा. फॉर डेलिकेट और कलर्ड फैब्रिक्स, ट्राई आउट द केमिकल ऑन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फैब्रिक फर्स्ट. इन केस द फैब्रिक इज डैमेज, डू नॉट यूज इट. ओके. रिपीटेड यूज ऑफ माइल्डर रिजेंट इज बेटर देन वन टाइम यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिजेंट. Wash all the fabrics with soapy solution at the end to remove all traces of chemical from it. Okay. Dry fabrics in sun as sunlight excess are natural bleach. ठीक है, तो कुछ fabric, कुछ stain के ऊपर sunlight भी काम करती है. अब हम देखेंगे कि कौन से type के stain पे कौन से type का stain removal process use किया जा सकता है. ठीक है, इतना clear है ना सब कुछ, है तो जल्दी से बता दीजिए. चैट बॉक्स ओपन ही है मेरा. ठीक है रश्मि, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स एंड स्टेन रिमूविंग एजेंट्स. तो यहाँ पे स्टेन है और ये स्टेन रिमूवल एंड प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए उसके साथ, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है,
ब्लड एग मीट ये कैसा है आपका एनिमल स्टेन है. सो इसके लिए क्या प्रोसेस यूज की जाती है, इफ फ्रेश वॉश विथ कोल्ड वाटर एंड सोप. इफ ओल्ड मतलब फ्रेश मतलब अभी अभी लगा है स्टेन, और ओल्ड का मतलब है कि दो तीन दिन या एक साल महीने, जैसे लॉन्ड्री में जाते हैं कपड़े धुलने के लिए क्या है वहां पे तो बहुत पुराने पुराने स्टेन भी आते होंगे. तो अगर ओल्ड है धुलने के लिए काफी दिन से पड़ा है या ओल्ड स्टेन लगा हुआ आया है तो उसके लिए क्या है सॉल्ट वाटर के साथ उसको रिमूव करना है. ब्लड एग मीट का जो स्टेन होगा मतलब आपका जो एनिमल स्टेन होगा ठीक है, और इसको कभी भी हॉट वाटर के साथ ट्रीट नहीं करना है क्योंकि वो प्रोटीन है और वो कॉगुलेट हो जाएगा. सेकेंड इज टी और कॉफी का स्टेन. अगर फ्रेश है देन व्हाइट कॉटन पोर बॉइलिंग वाटर ऑन स्टेन. अगर व्हाइट कॉटन को ट्रीट कर रहे हैं स्टेन का ट्रेन मतलब व्हाइट कॉटन पे ये स्टेन लगा है तो उस पर हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर डालें. और अदर है अगर दूसरे मतलब कलर्ड है या फिर अदर फैब्रिक जो बाकी बचे हुए फैब्रिक है उनको क्या करेंगे वार्म वाटर में सोप करेंगे विद बोरेक्स ठीक है. और अगर पुराना स्टेन लगा हुआ है तो डिप कॉटन क्लोथ स्टेन इन ग्लिसरीन ओके. वाइल फॉर सिल्क एंड वुलन यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो सिल्क और वुलन के लिए आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर प्रोटीन फाइबर है उनके लिए यूज होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो यूनिवर्सल ब्लीच है. एंड अगर सिंथेटिक है तो उसके लिए सोडियम परबोरेट यूज होगा ठीक. अगर देखो पहले सबके लिए कॉमन है अगर फ्रेश स्टेन है तो उसको सिर्फ क्या करना है उसको वार्म वाटर से जो सिर्फ कॉटन जो अगर व्हाइट है तो उसे बॉइलिंग वाटर से साफ किया जा सकता है. और अगर कलर्ड है कॉटन कलर्ड है और बाकी जितने भी सिंथेटिक फाइबर या कोई भी फाइबर है फैब्रिक है उसके क्या करेंगे उसको ग्लिसरीन के साथ ट्रीट किया जा रहा है ठीक है. डिप कर देंगे स्टेन को ग्लिसरीन में. लेकिन अगर ये चीज हो रही है सिल्क के साथ अगर सिल्क में पुराना दाग लगा हुआ है वुल में पुराना दाग लगा हुआ तो उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट करना. और सिंथेटिक में अगर पुराना दाग लगा है तो सोडियम परबोरेट से ट्रीट करना है ठीक है. क्लियर है इतना. अगर नहीं होगा तो पीडीएफ से पढ़ लेना और फिर मुझे बताना. नहीं आएगा तब भी समझ तो फिर मुझे बता देना ठीक है. नेक्स्ट इज बटर घी करी ऑयल. बटर घी करी ऑयल कैसे थे आपके आपका ये बटर घी तो आपका कैसा है एनिमल स्टेन है और करी और ऑयल आपका ये सब जो है किचन से लगे हुए स्टेन है ऑलमोस्ट. ये फ्रेश वॉश विद हॉट वाटर एंड सोप ठीक है. अगर फ्रेश लगा है तो हॉट वाटर और सोप के साथ उसे धोना है. इफ ओल्ड लीव द व्हाइट कॉटन फैब्रिक विद सोप पेस्ट इन सनलाइट. अगर व्हाइट फैब्रिक पे लगा है तो उसे सोप लगाकर उसके ऊपर सोप पेस्ट लगा के उसे क्या है धूप में डाल देना है. लेकिन अगर अदर जैसे सिल्क हो गए या कॉटन भी कलर्ड है अगर तो उसे क्या है वो शेड में ही डालना है. सिर्फ व्हाइट कॉटन को धूप में डालना है बाकी सबको शेड में. पेंट वॉल पेन नेल पेंट शू पॉलिश एंड लिपस्टिक ये कैसे आपके ग्रीस स्टेन में आते हैं ठीक है. सॉरी ग्रीस स्टेन में आपका ये आएगा बटर घी और करी ऑयल ठीक है. ये पेंट स्टेन है. स्क्रैप आउट ऑल एक्सेस स्टेन मतलब जो भी एक्सेस लगा हुआ है स्टेन उसे कोशिश करिए कि निकल जाए वो फैब्रिक से ठीक है. रब जेंटली विद केरोसिन ऑयल रिपीट द प्रोसेस 2 or 3 times इफ द स्टेन इज ओल्ड ठीक है. अब क्या करना है उसको जो मतलब सबके लिए कॉमन प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे केरोसिन ऑयल से ये निकल जाएगा. आपने अगर कभी देखा है या मैंने तो देखा है क्योंकि केरोसिन ऑयल से पेंट का जो स्टेन लगा होता है कहीं या फिर कहीं पे सरफेस पे पेंट भी लग जाता है तो उसे केरोसिन ऑयल से ट्रीट करते हैं और वो निकल जाता है. ऐसे ही फैब्रिक पे भी करना है. और अगर जो ओल्ड स्टेन है मतलब पुराना है तो जल्दी से नहीं निकलेगा इसीलिए यही प्रोसेस 2 to 3 times उस पर ट्राई करनी है. नेक्स्ट आपका है ग्रास स्टेन. ग्रास स्टेन को वॉश करना है सोप एंड वाटर के साथ. और अगर ओल्ड है तो उसे डिप करके रखना है स्टेन पार्ट को किसमें मिथाइलेटेड स्प्रिट में ठीक है. अगर सोप अगर फ्रेश है तो सोप एंड वाटर के साथ करें साफ और नहीं है पुराना है तो उसे मिथाइलेटेड स्प्रिट के साथ ही ट्रीट करना है ठीक है. नेक्स्ट है मेहंदी का स्टेन. मेहंदी में क्या है डिप इन वार्म मिल्क फॉर 1/2 hour ठीक है.
तो हाफ एन आवर के लिए उसे डिप करके रखना है वार्म मिल्क में, और अगर स्टेन जो है पुराना है तो उसे 2 to 3 times आप लोग क्या करेंगे, यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है पान का स्टेन। तो पान के स्टेन के लिए क्या है, वहां पे बताया भी था क्या यूज करना था, पोटेशियम परमैंगनेट यूज करना था, ठीक है। लेकिन उसके लिए दूसरा तरीका भी है, उसके लिए दूसरा तरीका क्या है, उस पर अनियन पेस्ट अप्लाई करें और फिर उसको सनलाइट में डालें, जबकि जो व्हाइट क्लॉथ मतलब व्हाइट क्लॉथ है उसको सनलाइट में डालें, लेकिन अगर जो दूसरे है उसको शेड में ही डालें। तो ये था आपका स्टेन रिमूवल, ठीक है। ये वाला जो टेबल है इसको पढ़ के जाना ठीक से, और ब्लीचेस को ठीक से पढ़ लेना, बाकी सब चीजें तो ईजी है, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट का ये पढ़ लेना कि कौन से जो फैब्रिक है, कौन से क्लोथ पे कौन सी ब्लीच यूज हो रही है। अब एक है ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग क्या है, उसमें वाटर यूज नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ एजेंट्स के थ्रू वॉशिंग हो रही है। इन ड्राई क्लीनिंग इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी वॉशिंग द डर्ट इज रिमूव्ड बाय अ सॉल्वेंट एक्शन एंड ग्रीस एब्जॉर्बेंट। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दीज सॉल्वेंट इज दैट दे डू नॉट पेनिट्रेट द फैब्रिक एज वाटर डज इन ऑर्डिनरी वॉशिंग। मतलब कि वो वाटर की तरह जो कपड़े के अंदर नहीं एंटर करते, ठीक है। दीज हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ फैब्रिक, द मटीरियल डज नॉट श्रिंक, लूज शेप और फिनिश एज इज फ्रीक्वेंटली द केस इन वेट क्लीनिंग। तो फैब्रिक पे कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, ना वो श्रिंक होता है, ना उसका कलर जाता है, ना उसकी शेप बिगड़ती है, ना वो श्रिंक होता है। कोई भी जो है जैसे वेट क्लीनिंग के बाद कपड़े में जो चेंजेस आते हैं, ऐसा कोई चेंज नहीं आता ड्राई क्लीनिंग के बाद, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्सपेंसिव क्लोथिंग होती है या फिर जो वुलन भी होते हैं, उन पे क्या है ड्राई क्लीनिंग कराना सजेस्ट किया जाता है। वुलन्स डू नॉट गेट डर्टी क्विकली, हैंड्स डू नॉट नीड टू बी वॉश्ड एज फ्रीक्वेंटली एज द फैब्रिक्स, ओके। हैंड्स दे रियली रिक्वायर्स स्पॉट क्लीनिंग, तो इसीलिए इनके लिए ड्राई क्लीनिंग इज सुटेबल। नेक्स्ट इज एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेंट क्या है, फ्रेंच चॉक। फ्रेंच चॉक आपकी जैसे चॉक होती है ना नॉर्मल, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है उसी टाइप की चॉक होती है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट चॉक, ठीक है। कुलर्स आज मतलब उसे हिंदी में बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी, अगर आप लोगों ने कभी देखी है या फिर सुना भी है, नाम तो सुना ही होगा जरूर। तो जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उनमें यूज होती है ज्यादा। तो फ्यूलर्स आज मतलब मुल्तानी मिट्टी, मूंग दाल का पाउडर, बेसन, टेलकम पाउडर, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे क्या है, ये एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट मतलब तो ग्रीस स्टेन लग जाता है या कोई भी ऐसा स्टेन होता है जिसे सिर्फ एब्जॉर्ब करके साफ किया जाता है। आपने कभी देखा है किसी पे किसी के लगा हो, जैसे किसी के ऑयल का स्टेन लग जाए तो उसे क्या कर देते हैं, उसे फिर ऑयल के स्टेन पे टेलकम पाउडर लगा के उसे साफ करा जाता है, तो इजी हो जाता है वो रिमूव करना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीस सॉल्वेंट। ग्रीस सॉल्वेंट में आपका पेट्रोल, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइलेटेड स्प्रिट। तो ये नाम याद रख सकते हैं कि एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में क्या चीज यूज हो रही है और ग्रीस सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या चीज यूज हो रही है, ओके। नाउ स्टोरेज ऑफ क्लोथ। तो स्टोरेज में कैसे करनी है हमें, ओनली क्लीथिंग इज नॉट सफिशियंट, सबको पता है। उसके बाद क्या है, उसे रखना स्टोरेज करना मैटर करता है। इफ वी डू नॉट स्टोर दीज क्लोथ प्रॉपरली दे विल गेट डैमेज्ड बाय इंसेक्ट्स ऑफ क्लोथ और क्लोथ मोथ, मतलब जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हो जाते हैं ना बहुत, वो। सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर देयर प्रॉपर स्टोरेज क्या है, पहले एम्प्टी आउट पॉकेट्स, उसमें कुछ है तो नहीं, ब्रश द गारमेंट स्लोली इन ऑर्डर टू फ्री देम फ्रॉम डस्ट, ठीक है। ऑलवेज सन एंड एयर द गारमेंट्स व्हिच हैव बीन वॉर्न बिफोर स्टोरिंग। तो जो कपड़े अगर वॉश के मतलब वॉश नहीं करा गया या तो उन्हें या फिर वॉश करा भी गया तो उन्हें जो है सन में या फिर एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ड्राई कर तभी स्टोर करना है। डू नॉट लेट गारमेंट्स बिकम टू डर्टी बिफोर लॉन्ड्रिंग और ड्राई क्लीनिंग। डू नॉट स्टोर एनी डैम्प क्लोथ सच एज मॉइस्चर कॉजेस मोल्डिंग। तो किसी भी डैम्प क्लोथ मतलब हल्का गीला कपड़ा हो उसे स्टोर नहीं करना। यू मस्ट हैव सीन द क्लोथ्स हैव चेंज कलर व्हेन टेकन आउट फ्रॉम क्लोसेट्स एंड दिस इज द रीजन फॉर इट, उसमें मॉइस्चर था इसीलिए उसका कलर खराब हो जाता है। ऑल टेक्सटाइल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट, उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, टोबैको, ड्राइड लीफ, नीम, कैम्फर,
ठीक है, मोथ बॉल्स और नेफ्थलीन भी बॉल्स आती हैं, वो यूज करते हैं. वुलन्स कैन बी पैक्ड इन न्यूज़पेपर्स एज द मोथ डिसलाइक प्रिंटर्स इन. तो जो वुलन है उसको स्टोर करने के लिए न्यूज़पेपर यूज किया जा सकता है. बॉक्सेस में भी लाइन एंड कवर्ड विद द पेपर. इवन ड्राइड नीम लीव्स, सैंडलवुड डस्ट, ड्राइड यूकेलिप्टस लीव्स आर गुड एज लॉन्ग एज द ऑर्डर लास्ट. तो ये जो है, ये अगर कोई फैब्रिक, कोई जो क्लोथ स्टोर करें तो ये वाले लीव्स भी यूज कर सकते हैं. जैसे नीम के पत्ते हुए और यूकेलिप्टस है, उसके लीव्स यूज करे जा सकते हैं. सैंडलवुड है यानी कि चंदन है, उसकी जो है डस्ट को या फिर उसकी पाउडर को यूज करा जा सकता है. ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था पूरा केयर एंड मेंटेनेंस का. फैब्रिक जो क्लोथ्स है उनको कैसे कैसे उनको हम मेंटेन करके रख सकते हैं. ठीक है, कैसा लगा ये अभी तक हो गया, जो समझ आ गया ना ये वाला सब कुछ, सो दैट आई कैन स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, सो वी मूव टू नेक्स्ट नाउ. ये वाला आपको स्क्रीन विजिबल है ना, दूसरे जो शेयर करिए विजिबल है. Now we'll study elements and principles of design. ठीक है, so elements and principle of design क्या चीजें हैं? Garments which are successful in appearance and function, structure and decoration stimulate the purchaser to buy them. ठीक है, उनका designing matter करता है, इसीलिए जो है लोग उसे कपड़े को खरीदते हैं. These elements of visual design have been defined as the basic ingredients or components from which a visual design is made. Each element of design is important. The elements are unique and fundamental. They are not always mutually exclusive. मतलब एक दूसरे से परस्पर भिन्न नहीं होते, मिलते जुलते भी होते हैं. For example, shape cannot exist without line or space. So, तो element है, जैसे space भी एक element है, line भी एक element है, shape भी एक element है, तो इन सबका आपस में रिलेशन है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते हमेशा. ओके, ठीक है. सो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में पहला आपका है लाइन. लाइन क्या है? लाइन इज द इलॉन्गेटेड मार्क, द कनेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स और इफेक्ट मेड बाय द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर देयर इज नो एक्चुअल लाइन और ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. तो दो पॉइंट्स को जोड़ के रखने वाली एक कंटिन्यूस जो मतलब फॉर्मेशन है वो आपकी लाइन है. लाइन रेफर्स टू द एज और आउटलाइन ऑफ द गारमेंट एंड स्टाइल लाइंस दैट डिवाइड द स्पेस विद इन द गारमेंट. तो लाइन का क्या रोल है फैब्रिक आपके क्लोथिंग में, अपेरल में क्या है? लाइन एक आउटलाइन की तरह, गारमेंट के आउटलाइन की तरह काम करती है. और जो कपड़े जो भी आप मतलब जो भी वेयर कर रहे हो गारमेंट, उसमें डिवाइडेशन करने का काम कर रही है. जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, इस तरह से एक मान लो एक पूरा ये एक वन पीस है, ठीक है, एक वन पीस है ये, और इसपे अभी ऐसे ऐसे फॉर्मेशन है ऐसे ऐसे, ठीक है, और अब इसपे न्यू, ठीक है, दूसरा शेप है. तो क्या है, ये डिवाइडेशन का भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. इस तरह से लाइन का ऐसा भी फंक्शन होता है. लाइन लीड्स द आई इन डायरेक्शन द लाइन इज गोइंग एंड डिवाइड्स द एरिया थ्रू व्हिच इट पासेस. तो आई मूवमेंट क्या, आई मूवमेंट किसके थ्रू होती है? लाइंस के थ्रू ट्रेवल करती है. जो हमारे हम देखते हैं, तो जैसे लाइन होती है, जैसे किसी का फैब्रिक है तो उस पर ऐसे ऐसे लाइन है अगर, तो हमारी जो है मूवमेंट भी वैसे ही होगी, आईज की मूवमेंट. तो स्पेस को भी मेंटेन करने में इसका काम रोल होता है. इट डिफाइंस अ स्पेस शेप और सिल्योट एंड कन्वेज अ मूड ऑफ कैरेक्टर. लाइन कैन क्रिएट विजुअल इल्यूशन सच एज हाइट, विड्थ, आल्सो मेक्स अ फिगर लुक थिनर और थिकर.
तो अगर कोई ऐसे ऐसे है मतलब आपका वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन से तो क्या है वो थिन दिखाई देगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करी जा रही है तो थिक दिखाई देगा, ठीक है। लाइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रेट, कर्व एंड ज़िगज़ैग लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन का क्या रोल होता है, दीज लाइन एम्फसाइज बॉडी इररेगुलरिटीज एंड काउंटरडिक्ट द राउंडेडनेस ऑफ द बॉडी। ओके, स्ट्रेट लाइंस आर क्रिएटेड इन ड्रेस बाय सीम्स, डर्ट्स, डार्ट्स, हेम्स और गारमेंट एजेस, प्लीट्स, हेम्स, ट्रिम्स, ब्रेड्स, टक्स। तो ये सारे क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है। जैसे आपका ये डार्ट होता है तो डार्ट ऐसे होगा या ऐसे होगा, डार्ट ऐसे तो नहीं होता कहीं, देखा है डार्ट यूं का ऐसा हो कि दिखाते ऐसा डार्ट देखा है कहीं, नहीं होता ना, तो इस टाइप की लाइन ही होती है, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होती है, या प्लेट्स भी होती है तो ऐसी ही होती है। दे क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एलिगेंसी, बोल्ड एंड पावरफुल इफेक्ट्स इन द इनर गार्मेंट। ओके, व्हेन मोर स्ट्रेट लाइंस आर यूज्ड इन ड्रेस देन नेसेसरी दे कैन गिव अ स्टिफ लुक। ठीक है, अगर ज्यादा स्ट्रेट लाइन, ज्यादा मात्रा में जो स्ट्रेट लाइन यूज करी जाए अगर किसी भी फैब्रिक में, तो क्या है वो स्टिफ लुक देंगे, मतलब एक कड़ा लुक देंगे। उसमें क्या है, कड़ा लुक का मतलब है उसमें कोई गतिशीलता कम, मतलब ऐसे जो ये लचीलापन है वो कम होगा। कर्व लाइन आपकी ये जो है, ये कर्वी कर्वी लाइन है, ये आपकी ये कर्व लाइन है, ठीक है, मतलब इस तरह का कर्व। तो यहाँ पे फुल कर्व वाली लाइन भी होती है और एक होती है रीस्टेंटम, मतलब उसमें हाफ होता है, ठीक है। कर्व लाइंस आर लेस कंजर्वेटिव, फॉर्मल एंड पावरफुल लाइन देन स्ट्रेट लाइंस। इन फैक्ट सर्कल्स एंड कर्व्स मेक स्पेस लुक लार्जर देन दे रियली आर। तो अभी ये यहाँ पे ऐसे मैंने सर्कल, मान लो ये सर्कल बना दिया, ठीक है, ये स्पेस था, इतने ही स्पेस में बना है और ये लाइन है, तो आपको कौन सी चीज ज्यादा लग रही है, ये ज्यादा पोर्शन बड़ा लग रहा होगा ना, तो वही काम करता है। दे ऑल्सो इंक्रीज द साइज एंड शेप ऑफ द फिगर, एड इंटरेस्ट एंड स्मूथनेस, दे गिव सॉफ्ट, जेंटल, यूथफुल एंड फ्लोइंग फीलिंग, बट टू मैनी कर्व लाइंस इन अ ड्रेस एट वंस कैन क्रिएट अ कंफ्यूजिंग लुक। तो अगर ज्यादा कर्व लाइन होगी तो क्या है, उसमें पता ही नहीं चलेगा, या उसका नहीं पता चलेगा कि जो स्ट्रक्चर है या उसके जो लाइन है, लाइनिंग है गारमेंट की, उसका अंदाजा ठीक से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज ज़िगज़ैग लाइन। ज़िगज़ैग लाइन मतलब आपकी ऐसे ऐसी वाली जो लाइन है, ये ज़िगज़ैग है, ठीक है, कर्व अलग है, कर्व ये वाला है, ये कर्व है, ठीक है, और ये ज़िगज़ैग है। दिस टाइप ऑफ लाइन्स गिव अ फीलिंग ऑफ जर्की, बिजी, एक्साइटेड इफेक्ट। तो ये ऐसी लाइन है, ये कंटिन्यूटी की भी आपको फीलिंग देगी। दे ऑल्सो इम्फेसाइज एंड एंगुलरिटी व्हेन दे आर यूज्ड मोर रिक्वायर्ड। दिस ज़िगज़ैग लाइन कैन क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन इंटरेस्ट। ठीक है, वही जो कर्वी लाइन अगर ज्यादा यूज होगी तो भी कंफ्यूजन होगा, और ज़िगज़ैग होगी तो भी ज्यादा कंफ्यूजन होगा। As they are noticeable, they should be carefully. They should be used carefully. इसका मतलब है कि में जो confusion create होगा, और इनका noticeable का क्या मतलब है, एकदम से इनमें नजर पड़ती है, इतने ज्यादा नजर straight line पर नहीं पड़ती। देखो एक यहाँ पे आपने किसी ने क्लोथ वेयर कर रखा है, उस पर ऐसे स्ट्रेट लाइन हुई, ठीक है, एकदम स्ट्रेट थी, ये वो नहीं बाइट रहा, just let me draw this। तो देखो ये ऐसे क्लोथ है और उस पे ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं बन पा रही इससे, माफ करिएगा, तो स्ट्रेट है और एक तरफ है ये, एक तरफ है ये zigzag वाली, किस पे ज्यादा आई मूव करेगी, किस पे ज्यादा अटेंशन जाएगी, zigzag पे जाएगी ऑफ कोर्स, तो इसीलिए इसे कम यूज करना है, मतलब बहुत ज्यादा ही रहेगा तो ज्यादा अटेंशन रहेगी, तो इसका यूज भी लिमिटेड ही करना है, ठीक है। लाइन डायरेक्शन, अब लाइन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तीन टाइप की लाइन होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तो वर्टिकल आपकी कैसी, ये वाली आपकी वर्टिकल, ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल मतलब टेढ़, ठीक है। Vertical lines communicate a feeling of loftiness and spirituality. These lines lead the eye up and down. ऐसे होती हैं तो eye up and down ले जाती हैं. They give the impression of added height and slimness. तो वही जो straight line भी slim दिखाती है, वही काम इनका होता है. If worn
by a thin person, it makes person look even taller than and thin. ठीक है, अगर जो लॉन्ग मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो वर्टिकल फॉर्म में होगी, उसके अगर कोई लंबा व्यक्ति है खुद ही वो या फिर वो पतला है देखने में, तो क्या है लंबा और उसे पतला दिखाएंगे. They also give a feeling of dignity, strength, poise and sophistication. Vertical lines found in shirt front, princess line, center back, seam, dart pleats and tucks, and in fabric pattern. तो इन सब में use होती है straight जो आपकी vertical line है. दूसरा है horizontal, मतलब ऐसी line. Horizontal appealing of wrist, ठीक है, आरामदायक feel करवाती है. A response as it is parallel to earth and it is at rest in relation to gravity. Therefore, composition in which horizontal lines dominate tend to be quite relaxed and restful in feel. Okay, these lines will direct the viewer across the garment, emphasizing its width at the point. अगर straight जो आपकी vertical है तो वो क्या करेगी, length दिखाएगी, और horizontal है तो वो क्या दिखाएगी, width दिखाएगी. ठीक है, that is they give the impression of less height and more width. Okay, अगर कोई thick person है पहले से ही वो पहन ले इसको, तो क्या होगा, वो और भी ज्यादा thick दिखाई देगा, fat दिखाई देगा. In other words, they make a body look shorter and wider, so their placement is done where a wider broader filling is required. अगर कोई ज्यादा ही पतला है तो उसके लिए आप ये यूज करी जा सकती है, और जो वर्टिकल लाइन है वो यूज करनी चाहिए मोटे लोगों के लिए या फिर जो height में कम लोगों के लिए. For example, a bend or seam at hip line will make the hip seam wider. Okay, horizontal lines are found at waist lines, hem lines, neck lines, sleeves, collars, panels and midriffs and in belts. Okay, तो belts में तो होती है आपकी, ऐसे sleeve में भी आपकी होती है, collar में भी होती है, panels में भी होती है, तो इस तरह से use करी जाती है. Next is diagonal, मतलब टेढ़ी line. Are slanted and suggest a feeling of movement and direction. ऐसे तो diagonal lines in garment tend to slanderize the whole more than vertical lines. They are strong and draw attention to area where they are used. तो जो diagonal lines है वो आपका जो straight line है, जो आपका vertical line है, उससे भी ज्यादा इफेक्ट दिखाती है, मतलब उससे ज्यादा मूवमेंट क्रिएट करती है किसी भी गारमेंट में. वाइल जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या करती है, आराम फील करवाती है या रेस्ट की फीलिंग देती है. सिंस ऑब्जेक्ट्स इन डायगोनल पोजीशन आर अनस्टेबल इन रिलेशन टू ग्रेविटी, दे आर आइदर अबाउट टू फॉल और इन मोशन. ओके, तो ऐसा लगता है ना कि या तो गिरेंगे या फिर वो मोशन में है. Thus, is a feeling of movement or spread is desired or a feeling of activity, diagonal line can be used. So, जहाँ पर activity दिखानी हो या movement दिखानी हो, वहाँ पे क्या diagonal line use करना is more appropriate. Their degree of slant determines their visual effect in clothes. Degree of slanting का मतलब है एक डायगनल लाइन ऐसे भी होगी, जैसे यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये भी डायगनल है और एक ऐसे डायगनल है कि इसकी ये इस पे ज्यादा मूवमेंट जाएगी कि इस पे ज्यादा जाएगी, इस पे ज्यादा जाएगी ना आई, मतलब आई मूवमेंट किस पे ज्यादा होगी, इस वाली पे ज्यादा होगी. इफ दे हैव अ वर्टिकल स्लैंट दे गिव स्लेंडरनेस फीलिंग एंड इफ दे हॉरिजॉन्टली स्लैंट दे ऐड विड्थ. ओके, अगर ये हॉरिजॉन्टली स्लैंट ऐसे है तो क्या है वो विड्थ ऐड करेगी, ऐसे है तो क्या वर्टिकल स्लैंट होगा. When these lines are combined with vertical lines, figure seems the tallest as they tend to create a more slenderized effect. These lines are found in generally in banner seams, V neck line, ऐसे होता है ना ये diagonal line, ये V neck होता है तो diagonal line use हो रही होती है. Skirt line में और आपका bias cut ऐसा होता है ना टेढ़ा, मतलब off grain और bias, एक होता है on grain, off grain and bias. तो bias मतलब ये एक fabric है, ठीक है, और आपने उसको यहाँ से काटा, ठीक है, ऐसे मतलब ये गलत हो गया, ऐसे काटा ऐसे, okay? That is bias cutting. Next is your texture. Texture का क्या रोल होता है, texture is the element of design that describes surface appearance and feel. तो आप छूकर देख सकते हो उसे टेक्सचर बताता है वो. इट ऑल्सो मीन्स द अपीयरेंस ऑफ द फैब्रिक, देखने से भी पता चलता है. टेक्सचर इज सेंसरी फीलिंग अंडरस्टूड बाय साइट एज वेल एज बाय टच. इट इज क्वालिटी ऑफ रफनेस,
smoothness, dullness or glossiness, stiffness or softness. Some words to describe the texture of fabric are rough, smooth, dull, shiny, firm, crisp, fuzzy, bulky, dull, etc. The textures can be described as lightweight, medium weight or heavyweight. There are two types of textures, structural texture and which is created. Texture, एक तो हो गया आपका structural texture और दूसरा है visual texture. तो structural मतलब आपको छूने से पता चल जाएगा, visual मतलब देखने से भी पता चलेगा उसे, ठीक है. So these are created when fabrics or garments are manufactured और जो आपका visual है which come when a design is printed on the fabric surface, ठीक है. These are various components like fibers, yarns, fabrics and finishes that determine texture. So उसकी weaving पे भी depend करेगा और उसकी finishing पर भी depend करेगा उसका जो texture है fabric का किसी का, ठीक है. अब जो है texture का effect क्या होता है किसी भी physical proportion पे, किसी मतलब जो textile जो हम पहन रहे हैं wear कर रहे हैं clothes उस पे. तो ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ना पॉइंट, इनको ध्यान में रखिएगा और ये लर्न कर लेना कि कौन सा पॉइंट जो कौन सा जो टेक्सचर है वो कैसा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है. क्योंकि नेट में एक बार ऐसे क्वेश्चन आ चुका है इससे, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए. तो पहले हम देखते हैं स्मूथ एंड फ्लैट टेक्सचर मेक पीपल स्मॉल लुक स्मॉलर. दे आर सुटेबल ऑलमोस्ट फॉर ऑल फिगर्स एंड फिजिक्स. दे कैन हाइड सम इररेगुलरिटीज बिकॉज दे कैन होल्ड देयर ओन शेप, ठीक है. स्मूथ और फ्लैट है तो वो अपनी शेप भी बरकरार रखते हैं, ठीक है. तो इसीलिए वो क्या है दूसरे जो बॉडी की इररेगुलरिटीज है उन्हें शो अप नहीं करते हैं. रफ टेक्सचर है, रफ टेक्सचर सबड्यू ऑफ कलर ऑफ फैब्रिक्स. शीयर फैब्रिक्स आल्सो टेंड टू डू द सेम एज द स्किन ऑफ वेयर इट इज सीन थ्रू देम. तो शीयर फैब्रिक होता है बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से सब देख सकता है. तो इसी तरह से आपका ये है रफ टेक्सचर, ठीक है. सॉफ्ट एंड क्लिंगी फैब्रिक. सॉफ्ट एंड क्लिंगी फैब्रिक में आपका आएगा फैब्रिक्स दैट आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल क्लिंग टू द बॉडी एंड शो एवरी काउंटर एंड रिवील बॉडी इररेगुलरिटी. तो बॉडी इररेगुलरिटी दिखाएंगे क्योंकि क्या है वो शेप जैसा बॉडी का शेप है सेम वैसे ही मोल्ड हो जाते हैं, ठीक है. तो इसीलिए क्लिंगी है मतलब चिपक जाते हैं बॉडी से. देयर यूज शुड बी लिमिटेड टू पीपल those who wish to reveal their body shape, मतलब जिन्हें अपने बॉडी शेप दिखाना वो लोग पहन सकते हैं. जिनको नहीं अब मतलब जिन्हें अवॉइड करना है, जिन्हें इररेगुलरिटीज को अपने छिपाना है या फिर नहीं रिवील करना, तो वो लोग उन्हें अवॉइड करें. दिस फैब्रिक क्लिंगीनेस टू द बॉडी कैन बी चेंज बाय द एडिशन ऑफ लाइनिंग टू गार्मेंट्स. स्टिफ फैब्रिक बल्कि फैब्रिक टेक्सचर्स दैट आर स्टिफ स्टैंड अवे फ्रॉम बॉडी हाइड body regularity. Exclusively stiff fabrics appears to add and weight to the body. So stiff fabric क्या है body को weight add करते हैं, वो क्या है व्यक्ति को मोटा दिखाते हैं. Persons who are average to tall in height having either average or thin body are benefited by wearing very stiff fabric. मतलब बहुत कड़े होते हैं और बहुत मोटे भी हैं, बल्कि मतलब वो भारी भारी दिखाते हैं. Small physique person should avoid these fabric as they look dwarf. मतलब उन्हें कोना दिखाएंगे. Overweight वालों को heavy दिखाएंगे, इसलिए उन्हें भी avoid करना है. Creating the illusion of additional thickness क्योंकि bulky है. A moderate amount of stiffness is desirable for overweight people as it does not cling and reveal the exact contours. तो थोड़ा बहुत स्टिफनेस ठीक है मोटे जो व्यक्ति हैं उनके लिए, लेकिन जो अगर हाई बल्कि फैब्रिक है तो वो वाले उन्हें अवॉइड करने चाहिए. शाइनी टेक्सचर और डल टेक्सचर. शाइनी टेक्सचर रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड मेक द पर्सन वियरिंग द देम अपीयर लार्जर सॉरी. फैब्रिक्स दैट एब्जॉर्ब लाइट आर डल एंड डू नॉट लार्ज बॉडी. तो जो शाइनी टेक्सचर है वो क्या करते हैं लाइट एब्जॉर्ब कर लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते और क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं. और जो सामने वाला पर्सन है जिसने उसे पहन रखा है शाइनी टेक्सचर को उसे बड़ा दिखाएंगे. और अगर डल टेक्सचर है तो डल टेक्सचर नहीं एनलार्ज कर देगा बल्कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो रिफ्लेक्शन के थ्रू नहीं होगा फिर वो मतलब बड़ा नहीं दिखाई देगा. दीज टेक्सचर्स आर सुटेबल फॉर ऑल बॉडी टाइप्स प्रोवाइडेड दे डू नॉट प्रोसेस अदर क्वालिटीज सच एज वॉल
softness and crimpness that would contribute undesirable characteristics, colors. Color creates the ये ठीक है, ये यहाँ तक texture का हो गया, तो ये अलग अलग texture थे, इनको ध्यान में रखना. Now colors. Colors create the most visual impact when they seen from a distance. It is most influential element that can contribute to overall natural nature of the garment. There are no fixed rules about flattering color. Color has personal values. Therefore, personal preferences for certain colors will affect an individual's choice. So, सबके अपनी अपनी पसंद होती है कलर को चूज करने की. सबका साइकोलॉजिकल स्टेटस भी होता है कलर चूज करने का, कि ये क्यों मेरे पे सूट करता है. इट इज पॉसिबल टू वेयर ऑल कलर्स इफ वन नोज हाउ टू यूज देम वाइजली. हर ओकेजन के हिसाब से, हर प्लेस के हिसाब से भी कलर जो है चूज किया जाता है. तो अगर उसे पता है सामने वाले को कि कैसे कलर चूज करना है, तो दैट इज गुड फॉर दैट. कलर कैन इफेक्ट एंड रिफ्लेक्ट द वे पीपल फील. ठीक है, क्योंकि जो वार्म कलर्स हैं सच एज ब्राइट रेड, ऑरेंज एंड पर्पल आर स्टिमुलेटिंग एंड एक्साइटिंग कलर्स विच कैन मेक पीपल हैप्पी. ठीक है, तो जो कलर वार्म कलर है वो क्या है, दूसरे जो व्यक्ति है पहनने वाले को भी खुश दिखाते हैं, सामने वाला भी अट्रैक्ट होगा उन कलर को देख के. सॉफ्ट कलर्स सच एज ब्लूज, ग्रीन्स, व्हाइट सच एज कूलनेस एंड कामनेस. और क्या है, वो उदासीनता का भाव दिखाते हैं. ठीक है, तो मतलब उदासीनता नहीं, मतलब एक शांति वाला भाव दिखाते हैं. ब्लैक एंड ग्रे हैव अ डिप्रेसिंग इफेक्ट. तो ये ब्लैक एंड ग्रे जो है वो दिखाते हैं उदासीनता का भाव, उदास मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाते. नेक्स्ट है आपका शेप एलिमेंट. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन लाइक पॉइंट एंड लाइन फॉर्म शेप्स. ओके, बिंदु या फिर लाइन मिलकर शेप बनाते हैं. अ शेप इज टू डायमेंशनल एरिया दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द स्पेस अराउंड इट ड्यू टू वेरिएशंस इन काउंटर कलर और मटीरियल. शेप कैन बी ज्योमेट्रिकल और ऑर्गेनिक. तो शेप के भी कई टाइप हैं. ज्योमेट्रिकल शेप भी हो सकता है आपका, डिजाइन भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू शेप. अ सिल्हुएट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आउटलाइन ऑफ एंटायर गारमेंट. मतलब जो गारमेंट का जो शेप होता है आउटर शेप, उसको सिल्हुएट बोला जाता है. ये इम्पोर्टेंट था टर्म, इसलिए मैंने ऐड किया. This is the most obvious visual element of the garment. It creates initial impact before any other details are noticed. The shape formed by outer lines of clothing is known as silhouette. Shape जो है, outer shape जो है, जैसे ये है कोई, ये जो garment है, तबन तो पता नहीं क्या ही रहा है, लेकिन ऐसे ये skirt समझ सकते हो आप, एक तरह की skirt है ये. तो ये आपका स्कर्ट, तो इसका जो ये आउटर पोर्शन, ये जो मतलब शेप है इसकी, दैट इज सिल्हुएट. ठीक है, मतलब पूरे ड्रेस की होती है वैसे तो. नाउ वी मूव टू प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन. प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन में आपका है बैलेंस. फर्स्ट तो बैलेंस प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब जो गाइडलाइंस है जो एलिमेंट को यूज करते हुए ध्यान में रखनी है. ठीक है, वो आपके प्रिंसिपल्स कहलाते हैं. बैलेंस, बैलेंस इंप्लाइज पोज, इक्विलिब्रियम, stability and security. Balance matlab santulan. The average human body is visually symmetrical, which means the body seems to be safe on each side of a central line. When important details and decorations are designed for a dress, they should be grouped in such way there seems to be equal interest or weight on each side or of an imaginary center. So ek jo dress hai, jise आजकल क्या हो रहा है, आजकल एक जो एक स्लीव का फैशन चल रहा है, एक तरफ से स्लीव का है, तो क्या है वो बैलेंस नहीं है, वो आपका एसिमेट्रिकल बैलेंस. सिमेट्रिकल होता है आपका अगर दोनों तरफ स्लीव होता तो. ठीक है, व्हेन द डिजाइन एलिमेंट्स आर इन बैलेंस, अ प्लीजिंग हार्मोनी इज एस्टैब्लिश्ड. बैलेंस इन गारमेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रक्चरल पार्ट्स एंड बाय एडेड बाय डेकोरेशन. तो डेकोरेशन से भी. नाउ टाइप्स ऑफ बैलेंस, तो आपका फॉर्मल बैलेंस है एंड इनफॉर्मल बैलेंस है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस. फॉर्मल बैलेंस दैट इज एनकाउंटर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल गारमेंट्स व्हिच आर सिंपल इन डिजाइन, एंड अदर इज इनफॉर्मल दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव कंपेयर टू फॉर्मल बैलेंस. ठीक है, द अदर इज रेडियल बैलेंस. तो अब इनका कैसे एप्लीकेशन है. फॉर्मल बैलेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल बैलेंस. तो इसको क्या है, सिमेट्रिकल भी बोलते हैं, संतुलन.
ठीक है, मतलब एक तरह से आप कहिए कि सही संतुलन जो है वो सिमेट्रिकल है. इट इज इजियर टू क्रिएट बट मे नॉट बी इंटरेस्टिंग एज इनफॉर्मल बैलेंस. तो अगर इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो दैट विल क्रिएटेड बाय योर जो इनफॉर्मल है या असिमेट्रिकल बैलेंस को भी, ठीक है, असिमेट्रिकल बोलेंगे उसे, इनफॉर्मल को, उसी के थ्रू आप कर सकते हो. जैसे ये देखो, ये एक ड्रेस है ऐसे, ये दो स्लीव्स हैं, बन तो नहीं रहा से, ठीक से, ठीक है, ये नेक लाइन है, फिर ऐसे करके ये ड्रेस है, ये सिंपल है, ये क्या है, फॉर्मल बैलेंस है या फिर आपको सिमेट्रिकल है. अब ये ड्रेस है, अब इसमें ऐसे यहाँ पे नेक है, यहाँ पे स्लीव है, और इसका इधर से ये यू, ठीक है, ये एसिमेट्रिकल है. तो ये ज्यादा क्रिएटिव लग रही है, ये ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली ज्यादा लोग पसंद करेंगे. तो मतलब पसंद तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा, इंटरेस्टिंग होगी वो ये वाली देखने मिलेंगे. ठीक है, तो ये आपका रोल, या आप ये जो चीजें हैं ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना, जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने बता दी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इनफॉर्मल बैलेंस. इनफॉर्मल या फिर आपका एसिमेट्रिकल बैलेंस. इनफॉर्मल बैलेंस अकर व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर आर इक्वल बट नॉट आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स. दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ कलर शेप्स लाइन टेक्सचर्स ऑन वन साइड बैलेंस अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑन द अदर साइड. ठीक है, जैसे ये एक मान लो एक ये ड्रेस है पूरा, ठीक है, ये पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक है, तो क्या है, ये फॉर्मल है. ठीक है, और ये दूसरा ड्रेस है, ठीक है, एक ड्रेस हो गया ब्लैक, अब ये पूरा ब्लैक है, लेकिन इसमें क्या है, ये इसमें कहीं स्पॉट नहीं है कि फॉर्मल बनाया जा रहा है, इसमें सिर्फ इतना पोर्शन जो है ये आपका वाइट, सिर्फ इतना पोर्शन, ये क्या है, इनफॉर्मल ही है ना, होता तो इधर भी होना चाहिए था, फिर एक इधर लाइन में होना चाहिए था कलर, लेकिन नहीं है, तो ये आपका इनफॉर्मल बैलेंस है. ठीक है, चाहे अगर शेप ऐसे होती, ऐसा होता, यूं होता, ये टेढ़ा होता, तो भी वो इनफॉर्मल हो जाता इन शेप. इनफॉर्मल बैलेंस गिव्स द डिजाइन मोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देन डज द फॉर्मल बैलेंस बिकॉज इट इज एक्साइटिंग एंड हैज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. ठीक है, सो जो ज्यादा एक्साइटमेंट देगा और क्या है, जो ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, दैट इज योर इनफॉर्मल या एसिमेट्रिकल बैलेंस. नाउ वी मूव टू रेडियल बैलेंस. रेडियल बैलेंस अकर्स व्हेन मेजर पार्ट्स ऑफ डिजाइन रेडिएट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट. लीव्स, सीम्स, गैदर्स, डार्ट्स, मोटिव्स रेडिएट फ्रॉम फोकल पॉइंट क्रिएटिंग अ सनबर्स्ट इफेक्ट. दिस टाइप ऑफ बैलेंस इज फाउंड इन फ्रीक्वेंटली नेक लाइंस. तो आपका इस टाइप का या फिर उसमें प्लेट्स होंगी नेक लाइन में, वो रेडियल बैलेंस होता है. बिकॉज ऑफ इंटीग्रेट फीचर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इट इज फाउंड ओनली एक्सपेंसिव क्लोथिंग. तो हर किसी में नहीं होता, सिर्फ एक्सपेंसिव क्लोथिंग में, हाई क्लास वाले जो पेंट है उनमें ज्यादा ये रेडियल बैलेंस देखा जाता है. ठीक है, तो ये है आपका बैलेंस, इतना क्लियर है. नाउ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन इज समटाइम्स कॉल्ड स्केल. Proportion may be defined as special or size relationship of all parts in a design to each other and the whole. Proportion मतलब एक दूसरा, जैसे अगर एक element है design का, तो उसके साथ दूसरे के साथ वो proportionate होना चाहिए. ठीक है, when all the parts work well together, the garment is well proportioned rather than out of proportion. Proportion is not as pleasing when all areas are exactly equal in size. Equal, unequal parts are more interesting. ठीक है, also an odd number of parts such as 3 are more interesting than even number such as 2 or 4. तो अगर एक स्लीव भी है तो क्या है, that is more interesting. मतलब ज्यादा मूवमेंट दिखाएगी कि अच्छा इसकी तो एक स्लीव है, ऐसे भी देखते हैं लोग. सो हाँ, सो वो क्या है, वो प्रोपोर्शन है भले, मतलब है, लेकिन क्या है, अनइक्वल, वो अनइक्वल प्रोपोर्शन वापस बनेगा. फैशंस दैट मेक बॉडी लुक डिसऑर्डर्ड आउट ऑफ प्रोपोर्शन समटाइम्स आर पॉपुलर फैड्स. ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो पॉपुलर होते हैं, उसके बाद फैड बन जाते हैं. प्रोपोर्शन इंक्लूड द रिलेशनशिप ऑफ हाइट, विड्थ, डेप्थ एंड सराउंडिंग स्पेस ऑफ ईच डिजाइन. प्रोपोर्शन इन रिलेशन टू क्लोथिंग डिजाइन टू दैट ऑफ बॉडी कन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी
considered by designer in order to create a well-proportioned garment line. So, जो भी clothing में जो भी design use करा जा रहा है, जो भी elements हैं, वो proper proportion में है, ठीक है? वो चीज जो है ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज एम्फेसिस. मतलब एम्फेसिस है, एम्फेसिस तो कई चीजों से क्रिएट करा जा सकता है. लाइन के थ्रू, टेक्सचर के थ्रू, इन सब चीजों से एम्फेसिस मतलब जोर देना किसी एक पॉइंट पर. इज द कंसेंट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन वन एरिया ऑफ डिजाइन दैट एक्ट्स एज अ सेंटर ऑफ अटेंशन. तो ऐसा हो सकता है कि जैसे गारमेंट है, तो इस गारमेंट में अगर मान लो कोई मोटा व्यक्ति है, उसके लिए क्या है, ये लाइंस जो यूज करी जा रही है स्ट्रेट लाइंस, वो क्यों यूज करी जा रही है, ताकि उसका एम्फेसिस जो है उसकी लेंथ पे जाए, उसके जो है विड्थ पर ना जाए, ठीक है? तो ये आपका रूल है एम्फेसिस, ठीक है? When many focal points are created in a dress, it's jumbled, confusing design. तो एक ही focal point होना चाहिए किसी भी ड्रेस का, उसमें कई जगह पर चीजों पर एम्फेसिस दिया जाएगा, दैट इज नॉट okay. Unity और harmony. Unity मतलब जो भी elements या design है उसमें हारमोनी होनी चाहिए, मतलब एकता होनी चाहिए तत्व. Harmonious, pleasing visual, unity. It is the relationship among all parts within a whole. This is created when all parts of design are related in a regular or orderly manner. When a design has unity, it gives an overall impression that attracts and holds the attention of the observer and gives the feeling of belongingness to the composition. Okay? This effect is created when the elements of design are used effectively according to the design principle. So, elements jo hain design ke tabhi acche lagenge jab unme harmony ho. Functional aspects of harmony imply that garment is comfortable. Okay, aur physical effect jo hai wo kya kehta hai, garment parts in a scale, their combined proportions seem to belong to each other. द फिगर ओके. तो प्रोपोर्शन में हो, उस फिजिकल इफेक्ट कहता है कि प्रोपोर्शन में हो, और जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो कहता है कि कंफर्टेबल, ठीक है? मतलब उसकी शेप अच्छी हो ताकि जो पहनने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना हो. नेक्स्ट इज रिदम. रिदम इज द फीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज मूवमेंट, ठीक है? मतलब मूवमेंट, जैसे मान लो रिदम का मतलब क्या है, जैसे ये मान लो एक फैब्रिक है या आपका, उस पर ये डिजाइन बनाई, शेप ऐसे बना, तो अब इस पर दूसरा डिजाइन बन गया कुछ बीच में, फिर एक यहाँ पे दूसरा ये बना और फिर ऐसे दूसरा शेप बन गया, तो दैट इज रिदम. ये रिदम में चल रहा है, तो ये रिदम है. रिदम इज द प्लीजिंग अरेंजमेंट ऑफ द डिजाइन एलिमेंट सो द आई मूव्स इजीली ओवर द अपेरल. रिदम रिजल्ट फ्रॉम अ रेगुलर और ग्रेजुअल चेंज गिविंग द फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी टू द डिजाइन, ठीक है? अगर इस पर सिर्फ राउंड राउंड ही होता, ये वाला शेप ना होता, तो क्या होता, मूवमेंट होती नहीं होती. So, rhythmic effect becomes stronger when a pattern is repeated. जैसे अभी शेप हमने रिपीट करी ना, ये जो हमने सर्कल बनाया और फिर एक डिजाइन बनाया, वो पता नहीं क्या था लेकिन मैंने बना दिया, जो डिजाइन बनाया उसका रिपीटेशन हो रहा था, तो वो क्या था, मोर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कर रहा है, लेकिन रिपीटेशन हमेशा जरूरी नहीं है, ओके? Rhythm is used mostly effectively with line, shape, space. Also by changing the hue, color or intensity. मतलब अगर उसमें शेड है किसी फैब्रिक में, यहाँ पे डार्क ब्लू है, फिर लाइट ब्लू है, ठीक है? फिर यहाँ पे ब्लू का ही एक और शेड है जिसमें थोड़ा सी ग्रीन हो गया, तो क्या है, वो शेड है, वो भी हारमोनी है, ठीक है? वो भी रिदम प्रोवाइड कर रहा है. हाँ, रिदम इज रिदम इन क्लॉथिंग डिजाइन. तो रिदम का क्या रोल है, रिपीटेशन के साथ, ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है, ग्रेडेशन के साथ, ट्रांजिशन के साथ, ओपोजिशन में या फिर रेडियल अरेंजमेंट में, ये थ्रू हम जो है रिदम कर सकते हैं अपने गारमेंट में यूज, ठीक है? दिस इज अचीव्ड इन गारमेंट कंस्ट्रक्शन बाय फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, शेप एंड कलर्स एंड टेक्सचर. सो रिदम क्या है, रिदम मतलब उसमें एक मूवमेंट बने ऐसे, ठीक है? जैसे वो मैंने डिजाइन दिखाया था, उसे देखने में लग रहा है कि अब ये मूवमेंट करेगा, अब क्या ध्यान जाएगा सर्कल पे, अच्छा अभी सर्कल बन रहा है. अगर आप ध्यान से देखते हैं तब पता चलता है इन सब इफेक्ट्स का. तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ठीक है? तो अभी इसके बाद जो कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी उसकी वीडियो, जो ड्रेस मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें पैटर्न मेकिंग होगा आपका, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग होगा,
सारे स्टेप्स कटिंग वगैरह सब उसका वीडियो शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है मॉर्निंग, ठीक है क्लियर है आई थिंक, ठीक है गाइस, ओके ओके आई एम एंडिंग.